रूस के बेलगोरोड में इस बीच बहुत भीषण धमाका हुआ है। शहर में सुनी गई भीषण धमाके की आवाज। धमाके के बाद आसमान में धुआं उठता दिखा। धमाके वाली जगह पर रूसी सैन्य ठिकाना होने की खबर है। बेलगोरोड से ये ताजा तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने। अगली ब्रेकिंग देखिए, यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस का एक और अटैक। 152 एमएम टैंक से रूस ने धुआंधार हमले किए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। तस्वीरें देखिए। ब्रिगेडियर शादिंदु, वो जो इतिहास गवा रहा है ना कि इट्स इजी टू स्टार्ट अ वॉर, पर खत्म करना आपके हाथ में होता नहीं है। एग्जैक्टली वही फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, दुनिया खत्म होगी, रूस की तरफ से कहा गया है, या तो फिर रूस जीतेगा। अमेरिका अब कह रहा है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। टैक्टिकल लेवल पर हमें बहुत सारे इस तरह के वीडियोज दिख रहे हैं, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है। क्या एक इंटरमीडिएटरी स्टेप है कि कीव पर हमला करके कब्जा किया जाए? देखिए, मेरा मानना है कि ये लड़ाई का अंत अभी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसमें एक मेजर प्लेयर है जो युद्ध को किसी भी समय खत्म कर सकता है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसने जिस दिन चाहा इस युद्ध को खत्म कर सकता है। पुतिन भी इस राह में देख रहे हैं कि सीरियसली यूएस का इंटरवेंशन हो और इस युद्ध का अंत हो, क्योंकि ना तो रशिया गेन कर रहा है, ना यूक्रेन भी युद्ध से थक चुका है। जो यूक्रेन वॉर हमले दर हमले कर रहा है, पूरे नाटो कंट्रीज के वेपन्स वहां पे आ रहे हैं, उसके तहत वो हमला हो रहा है। लेकिन अमेरिका ऐसा चाहेगा क्यों? अमेरिका क्यों चाहेगा कि यूक्रेन हार मान ले और ये जंग खत्म हो जाए? क्योंकि अगर युद्ध खत्म करना तो यही एक ऑप्शन है। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों में स्टैंड ऑफ है सर, किसी को करनी पड़ेगी। और जो जो देश शक्तिशाली है, जो जिसकी बात दोनों पक्ष मान सकते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। हिंदुस्तान की बात इस समय सुनने में रशिया या यूक्रेन नहीं तैयार है। अनलेस इंडिया का स्टैंड को यूएस पूरी तरीके से बैकअप करे, तब हम जाके। लेकिन अमेरिका का स्टैंड क्या है इस पूरे वॉर को लेकर, ये हम सभी जानते हैं।